ಸುರಿಡು ಕನಿಸಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕದೀಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮುನಗಾಡು ಬೀಡು ಭೂಮಿನ ಬಾರೈತಾಡು ಬೀದ ಸಾಧಲ ಧೈರ್ಯಂ ವೀಡು ತುಂಗ ತೋರಲ ಭರತಂ ಪಡೆದಾಡು ಮನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಪೇದ ಇಂಟಿಕ್ಕಿ ಪಂಡುಗ ದೆಸ್ತಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಂದ ಬಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೋಲೆ ಕದರಿ ನಾಡು ಚೂಡರೋ ಮಲಬೂರಿ ಸೂರಿಡು ಕಂದಿಸಿ ನನ್ನ ನಿಗದಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮುನಗಾಡು ದಾರಿ ಕಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿನ ಗಾನಿ ತಡುವ ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿ ನನ್ನ ದಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಂದುಗು ಕದಿರಾಡು సేతుల చిక్కింది రాష్ట్రం మొదటి కన్నా హీనం అయ్యింది అందుకే నిలదీసేటందు శ్రీనివాసన్న వస్తున్నాడు మేలుకోరా తమ్మీయకనైనా అన్న బాహుబలిగా ముందుకు వచ్చాడు కొండ నిండా తమ్మున్నోడు కొండనైనాది కొడతాడు అభి చునావ్ మే హార్ గయా మే मगर जनता के बीच में हूँ, जनता के साथ में हूँ और ये बात बोलता हूँ, अगले 40 साल कंदी श्रीनिवास रेड्डी का समय है। मैं अगले 40 साल आदिलाबाद में रहता हूँ, जनता को सेवा करता हूँ और जो भी मेरा काम रहता है वो जनता को सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को हर कोने कोने पे लेके जाएंगे, हर घर को लेके जाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सैनिक, एक सुशिक्षित सैनिक बनके कांग्रेस पार्टी को डेवलपमेंट करेगा। 50,000 जनता ने मुझे वोट दिया, 50,000 49,000 जनता ने मुझे वोट दिया, उनका मेरा जिम्मेदारी है और जो मुझे वोट नहीं दिए उनका भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कांग्रेस पार्टी सबका पार्टी है, गरीब का पार्टी है, आम जनता का पार्टी है। जो मुझे वोट नहीं दिए भी उसको भी देखभाल मैं करता हूं। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कहां भी नहीं जाने वाले, मैं जीता हारा मगर जीतेगा हारेगा ये जिंदगी में एक 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 सिक्के का दो बाजू है। तो कांदी श्रीनिवास रेड्डी जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ रहता है और ये जो भी एमएलए जीता है उसका भी कोई कार्यवाह, कोई एक्शन, कोई भी काम गलती है, कुछ भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कुछ विद्वेष नफरत फैलने के लिए कुछ प्रयास किया तो कंदी श्रीनिवास रेड्डी की आदमी उसको रोकता है और उनको आदिलाबाद से, आदिलाबाद का जनता को कांग्रेस पार्टी कंदी श्रीनिवास रेड्डी दोनों ही सब धर्म को, सब हर जाति को, धर्म को लेके चलने वाले चलेंगे, ये कांग्रेस पार्टी ही लेके जा सकते हैं। और ये भी बात बोलता हूं,
अभी सत्ता जाने के बाद ये जो भी रामन्ना और बीआरएस ये दोनों पांच साल नहीं रहने वाले है, ये टीआरएस पूरा मर जाने वाला पार्टी है। और जनता ये भी तय कर लिया ये टीआरएस को आदिलाबाद से उखाड़ के फेंक देगा। और जो भी टीआरएस का कैडर है, नेता है, आपको सबको मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, टीआरएस पार्टी मर जाने वाला पार्टी है। वो आदिलाबाद से नहीं, तेलंगाना के क्षेत्र में से निकलने वाली पार्टी है, वो अपस्कैंड होने वाली पार्टी है। तो ये कांग्रेस पार्टी ही अगले पांच साल टीआरएस को, जो भी टीआरएस का और बीजेपी का जो भी गलत काम है, वो कांग्रेस पार्टी ही गरीब का और मिडिल क्लास का रक्षा कर सकते है। बेला में हमारा मंडल लेवल का मीटिंग रखे थे, हमारा सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ, जो भी कांग्रेस पार्टी को 50,000 वोट आदिलाबाद में लाने के लिए बेला में 10,000 वोट लाया, हमारा पूरा मेहनत करके हमारा नेता कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपका पूरा सबका मेहनत से आशीर्वाद से हम इतना बड़ा काम आसान से हम कर लिया। और हमारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आया तेलंगाना में, हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बना और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आया। 10 साल के बाद ये तेलंगाना जनता ने कांग्रेस पार्टी को हुकूमत दिया, इसे मैं तेलंगाना जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और कोई भी चुनाव होने दो हमारा तेलंगाना में, हमारा आदिलाबाद में कोई भी चुनाव होने दो, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगा और जनता को एक ऐसा राज, पीपल्स गवर्नमेंट, जनता का सरकार, ये कांग्रेस का सरकार, आम आदमी और जनता का सरकार हम तेलंगाना में लागू करेंगे। अभी हमारा 6 गारंटी में 2 गारंटी अभी लागू हो रहे, 10 में महिलाओं को मुफ्त सफर यात्रा मुफ्त है, और 10 लाख आरोग्यश्री बीमा 5 लाख से 10 लाख को बढ़ाया गया, ये दोनों को अभी लागू हो रहे। और भी गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किए जरूर लागू करेंगे। और जो भी मैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में अच्छे अच्छे नेताओं को, जो बीआरएस में बीजेपी में अच्छे अच्छे नेता जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हमको संपर्क कर रहे हैं, और सबको एक ईमानदारी नेताओं को हम लेने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी में आपको स्वागत करता हूं। और मैं ये बात भी बोलता हूं, बेला में जो भी रेती का धंधा कर रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के में शामिल है, जो भी गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं, वो पूरा धंधा बंद कर लो, ये कांग्रेस का जमाना है, कांग्रेस पार्टी का सत्ता है, ये ऐसा गैर कानूनी धंधा नहीं चलेगा बेला में, आदिलाबाद में नहीं चलेगा। और मैं सब कार्यकर्ताओं से विनती करता हूं, जो भी गैर कानूनी धंधा चलता है वो हमारे नोटिस में ला लीजिए, हम जरूर उसके पास एक्शन लेने के लिए हमारा हाईकमांड को हम जरूर हाईकमांड के सामने रखेंगे। और मैं ये भी बात बोलता हूं, पूरा जो भी गैर कानूनी धंधा चला कोई भी करने दो, वो पिछले एमएलए जोगू रामन्ना साहब करने दो और कोई भी करने दो, सबके ऊपर इंक्वायरी कमीशन डालेंगे और सबका जो भी गैर कानूनी धंधा, दो नंबर धंधा जो भी किए, उनका पूरा कांग्रेस पार्टी बाहर निकलेगा। और जनता जनता जनार्दन जो भी एक्सपेक्टेशंस है कांग्रेस पार्टी पे, जो भरोसा किया, वो पूरा भरोसा को हम कंटिन्यू करेंगे हम। और कांग्रेस पार्टी ऐसा राज चलाएंगे कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल है या गैर कानूनी धंधा में शामिल है, सबको इंक्वायरी कमीशन कानून के हिसाब से उनको सजा मिलेगा
और इसलिए मैं सबको आदिलाबाद लोगों को मैं एक ही भरोसा देता हूं, कांग्रेस पार्टी ये सत्ता में मिडिल क्लास गरीब लोगों का, मिडिल क्लास और मध्य तरगति लोगों का सरकार है, गरीब का सरकार है। कांग्रेस पार्टी को कोई भी चुनाव होने दो, या सरपंच इलेक्शन होने दो, एमपीटीसी इलेक्शन होने दो, जेडपीटीसी इलेक्शन होने दो, या पीएसीएस सिंगल विंडो इलेक्शन होने दो, कुछ भी होने दो, कोई भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। कांग्रेस पार्टी को आपका आशीर्वाद देते रहिए। 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगा, अगले 10 साल कांग्रेस पार्टी 2033 तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहेगा और हमारा हुकूमत चलेगा। और ये बात देखते ही सब लोग जो भी कार्यकर्ताओं को मैं ये भरोसा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपको जो भी ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत किया, आपको सबको अच्छा इज्जत मिलेगा और कांग्रेस पार्टी आपका देखभाल करेगा। ये बात कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस।